हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अच्छी नींद के घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें रात में नींद नहीं आती है। अनिद्रा के प्रमुख लक्षण: रात में आँख खुलना यानी बार बार नींद का टूट जाना, नींद आने में परेशानी होना और सोने की लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद का ना आना, दिन में नींद आते रहना और रात को नींद उड़ जाना, एक बार नींद खुलने के बाद दोबारा ना आना, सुबह उठने के बाद फ्रेश महसूस ना होना और थकान लगना, दिन भर चिड़चिड़ापन रहना। कितनी नींद होती है पर्याप्त? डॉक्टर के अनुसार ज़्यादातर वयस्कों के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, वहीं कुछ लोगों के लिए 9 से 10 घंटे। पर्याप्त नींद से मतलब है जब अगले दिन सोकर उठें तो आप तरोताज़ा महसूस करें। जिन लोगों की नींद रोज़ाना पूरी होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सिर्फ 6 से 8 घंटे सोना जरूरी नहीं होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग 6 घंटे गहरी नींद सो लेते हैं और उनका स्वास्थ्य बीमारियों से दूर रहता है। वहीं कुछ लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं लेकिन इनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। ये लोग भले ही ज़्यादा समय तक सोते हों बावजूद उनकी दिन भर की थकान दूर नहीं होती है। इसके साथ ही ये दिन भर सुस्ती महसूस करते हैं। अगर आप भी रात भर नींद न आने की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इन घरेलू नुस्खों और अच्छी नींद के टिप्स को ज़रूर आजमाएं। ये ड्रिंक्स हैं नींद में मददगार। ड्रिंक से हमारा मतलब अल्कोहल से नहीं है, ये आपकी नींद में खलल डालने का काम करती है। अच्छी नींद के लिए आप सोने से पहले गर्म दूध, कैमोमाइल टी और चेरी जूस बेहतर विकल्प है। माना जाता है कि गुनगुने दूध में एमिनो एसिड ट्राइटोफन नामक पदार्थ होता है जो नींद को उत्तेजित करता है। यही कारण है कि सोने से पहले अच्छी नींद के लिए दूध पीने की सलाह दी जाती है। कैमोमाइल टी में फ्लेवोनाइड पाए जाते हैं जो मस्तिष्क में बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर्स से मिलकर अच्छी नींद में मदद करते हैं। कैमोमाइल टी में ग्रीन टी की तरह कैफीन नहीं होता है। इसके अलावा चेरी जूस मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है। मेलाटोनिन नींद चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। एक्सरसाइज है अच्छा उपाय। व्यायाम करने से भी आप बेहतर नींद पा सकते हैं, कई रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हुई है। एक्सरसाइज करने से आपको गहरी नींद आने में मदद होती है, इसके लिए आप एरोबिक्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय एक्सरसाइज कर लें। आपको एक्सरसाइज के समय पर भी ध्यान देना होगा। एरोबिक्स ब्रेन में एंडोरफिन नामक फील गुड केमिकल रिलीज करती है। आप योगा भी कर सकते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें। हालांकि बिस्तर पर जाने से 2 से 3 घंटे पहले किसी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करें, इससे आप पर उल्टा असर होगा। हाथों और पैरों को अच्छे से साफ करें। यूं तो दिन भर बाहर रहने के बाद जब घर पहुंचे तो हाथ, मुंह और पैर को अच्छे से साफ करना चाहिए। ये आपको अच्छी नींद में भी मदद करता है। चाहे तो बिस्तर पर जाने के बाद तलों पर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और थकान दूर होती है। ये आपके दिमाग को शांत और स्थिर करता है, साथ ही अच्छी नींद के लिए प्रोत्साहित भी करता है। बिस्तर पर ना करें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल। बिस्तर पर जाने के बाद बहुत सारे लोग फ़ोन, टीवी या लैपटॉप पर लग जाते हैं। सोने से 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुद से दूर कर दें। यदि आपकी रात को आँख खुलती भी है तो आप फोन की जगह फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करें। कमरे में जितना हो सके अंधेरा रखें।
लाइट हमारे मस्तिष्क को उठाने का समय बताती है। यदि कमरे में मोबाइल या लैपटॉप की थोड़ी सी भी रोशनी होगी तो इससे मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित होगा, साथ ही आपकी नींद उड़ जाएगी। सोने से पहले गर्म पानी से शावर लें। बिस्तर पर जाने से पहले गर्म पानी से शावर लेने से दिन भर की थकान दूर होने के साथ अच्छी नींद आने में मदद करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर शरीर का तापमान बदलता रहता है। कब सोने का और कब उठने का समय है इसके लिए दिमाग हमारे शरीर के तापमान पर निर्भर रहता है। रात के समय हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता है, जो मस्तिष्क को बताता है कि यह मेलाटोनिन केमिकल को बनाने का समय है, जो नींद में मदद करता है। शरीर का तापमान सुबह के समय सबसे कम होता है, जो शरीर को नींद से जगाने के लिए तैयार करता है। कपड़ों का रखें खास ख्याल। सोते समय सही कपड़ों का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है। नींद में किसी तरह का खलल ना पड़े इसके लिए ऐसे कपड़े पहने जो आरामदायक हो। यदि आप शरीर से चिपके कपड़े पहनकर सोएंगे तो इससे आपको सोने में परेशानी होगी। कोशिश करें कॉटन के कपड़ों का चयन करें। मैग्नीशियम और नींद का संबंध। मैग्नीशियम और नींद आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। मैग्नीशियम हमारे शरीर को आराम पहुंचाने के साथ अच्छी नींद में मदद करता है। हरी सब्जियां, कद्दू के बीज और बादाम मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। यदि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है आप तो दूसरी दवाएं ले रहे हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करें, जिससे सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। हेल्दी स्नैक्स का आहार। अच्छी नींद के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त स्नैक्स का सेवन करें। इसके लिए आप चाहे तो आधा केला और एक टेबल स्पून पीनट बटर ले सकते हैं। सोने से आधे घंटे पहले इसका सेवन करने से आपको बेहतर नींद आएगी। नींद ना आए तो खड़े हो जाएं। शोधकर्ताओं की माने तो यदि आपको बिस्तर पर जाने के बाद आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो खड़े हो जाएं और बेडरूम से बाहर जाकर किताब पढ़ें। कमरे में तभी वापस लौटें जब आप थकान महसूस करें और आपको नींद नहीं आ रही है। डाइट में करें बदलाव। अपनी डाइट से कैफीन युक्त चीज़ों जैसे कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट को बाहर कर दें। डिनर को जितना हो सके उतना हल्का रखें। मसालेदार और हैवी फूड्स अवॉइड करें।